हेलो गाइस, और अभी है दोपहर का टाइम और ये वाला ब्लॉग है संडे का। तो स्वागत है आपका हमारे आज के इस न्यू ब्लॉग में। तो अभी ना हम लोग मीटिंग से आए, उसके बाद आने के बाद खाना वाना खाए, फिर ये कर रही थी अपने मामा के गोदी में आराम। तो उसके बाद फिर इसको लेटा दिए थे तो फिर रोने लग गई थी। फिर मैं इसको गोदी में उठाई, फिर उसको झूला झूल के सोने का आदत है तो उसको झूला झूला के थोड़ा सा बैठाई थी गोदी में, फिर वो सो गई तो उसको मैं सुला दी। उसके बाद मैं अब लग गई हूँ अपने घर के कामों में, क्योंकि आज सवेरे ना मैं ऐसे घर का कुछ काम नहीं कर पाई थी तो पूरा काम अभी करना पड़ेगा। 10 बजे जाना रहता है ना मीटिंग, तो सवेरे ऐसे ही फटाफट फटाफट करके चले गए थे। जो जो ज़रूरी काम था बस वो करी थी। सवेरे मैं दाल चावल बना दी थी, नाश्ता बनाई थी, तो नाश्ता करके और बस दाल चावल बनाई थी तो बस वो बना के रख के मैं चली गई थी। फिर तो वहाँ से आने के बाद अब मैं लग गई हूँ घर के पूरे कामों में, तो ये सब ठीक करना है मेरे को। और आज जाना है मार्केट भी, तो मैं सोच रही हूँ पहले फटाफट इधर सब कुछ ठीक कर देती हूँ। जो कपड़ा वपड़ा भी कल का रखाया हुआ था तो उसको भी पहले अच्छा से रख देती हूँ ठीक करके, उसके बाद हम लोग जाएंगे सब्जी लेने। तो बस ऐसे ही रहता है मेरा दिन संडे का भी। संडे को सुबह तो कुछ काम नहीं हो पाता, फिर आने के बाद पूरा काम करती हूँ और अकेले हो जाता है। अब 2-3 दिन क्या 3-4 दिन तो हो गया अकेले कर रही हूँ, तो बस ऐसे ही मैनेज करती हूँ अकेले घर के कामों को, जो जो ज़रूरी है, पर बस वही काम हो पाता है हमेशा, एकदम पूरा काम अच्छे से नहीं हो पाता। पर आज थोड़ा सा लेट हो गया ना, 12 बजे हम लोग वहाँ से आए तो नहीं हो पाया पूरा काम। ऐसे तो कर लूँगी अभी पूरा काम, लेकिन और भी कुछ कुछ, जैसे पहले वांटी करती थी ना तो फिर मैं थोड़ा सा और कुछ कुछ साफ़ सफाई कर लेती थी, कुछ कुछ पोछना वोछना, जैसे अलमारी जमाना है तो वो सब भी एक्स्ट्रा काम कर लेती थी। तो अभी ज़्यादा एक्स्ट्रा काम नहीं हो पाता है, अभी बस जो जो ज़रूरी है वही काम हो पाता है। फिर देखूँगी जैसे जैसे टाइम मिलते जाएगा ना, वैसे वैसे एक एक जगह को लेके साफ़ करते जाऊंगी, नहीं तो फिर अगर छूट गया ना पूरा तो सब तरफ एक ही साथ गंदा हो जाएगा, फिर मुश्किल हो जाएगा साफ़ करना पूरा। तो उसके बाद मैं दोनों रूम को ऐसे सामान वामान ठीक करके आ गई हूँ, और अब मैं आ गई थी किचन में कि यहाँ पे जो अभी हम लोग खाना खाए थे ना तो उसका बर्तन वर्तन रखा हुआ था। वैसे तो रात का बर्तन था नहीं और सवेरे था नाश्ता का बर्तन, तो उसको मैं सवेरे ही मांज दी थी। तो अभी बस खाना जो अभी हम लोग खाए उसी का बर्तन था, तो उसको मैं अभी फटाफट कर दूँगी, उसके बाद मैं फिर हम लोग चले जाएंगे मार्केट, क्योंकि अभी इसके पापा को जाना है एक गांव मीटिंग के लिए, तो वहाँ से वहाँ जाएंगे करके ना हम लोग को जल्दी मार्केट जाना पड़ेगा और जल्दी से आना पड़ेगा। फिर वो 4-4:30 बजे जाते हैं तो उससे पहले आना पड़ेगा, तो इसीलिए अभी बस ये सब ठीक कर रही हूँ, बाकी काम मैं आने के बाद करूँगी। फिर वहाँ से आऊँगी ना तो फिर अलग काम हो जाएगा, वो सब्जी वब्जी ठीक करके रखना, जो काट के रखना है उसको काट के रखना पड़ेगा, फिर सबको फ्रिज में डाल के रखना पड़ेगा, बहुत सारा काम होता है। हमको लगता है कि बस खाली झाड़ू पोछा और बर्तन है, पर ऐसा नहीं है। फिर हम लोग दूध लेके आएंगे तो उसको उबालना पड़ेगा, फिर शाम से शुरू हो जाएगा चाय बनाओ ये करो। आज ना यहाँ पर पता नहीं कैमरा को क्या हुआ है, ये पूरा अंधेरा अंधेरा आ रहा है एकदम। तो यहाँ पर जो खाने वाला बर्तन था ना तो उसको मैं यहाँ पर मांज ले रही हूँ और फटाफट इसको मांज देती हूँ, फिर उसके बाद देखती हूँ फिर हम लोग जाएंगे शायद। इसको मांजने के बाद ना थोड़ा देर जाके लेटूंगी मैं, क्योंकि बहुत थक लग गया है मेरे को कि सबेरे से इधर से उधर इधर से उधर हो रहा है ना। अभी ना 3 बज रहा होगा देख ही नहीं हूँ वैसे तो मैं टाइम अभी, तो बस ये बर्तन मांज लेती हूँ। और ये वाला कपड़ा पहन के रखी हूँ ना, इस कपड़े में ना मेरे से काम नहीं होता, मेरे को मिक्सी का आदत है और जब तक मैं मिक्सी पहनती नहीं हूँ ना तब तक मेरे को चैन पड़ता नहीं है। अभी मैं कपड़ा इसीलिए नहीं बदली हूँ क्योंकि अभी जाना है मेरे को मार्केट, तो फिर उसके बाद जाना पड़ेगा तो फिर बदलो तो झंझट लगता है, इसीलिए अभी पहले ना हम लोग मार्केट से जाके आ जाते हैं, उसके बाद सबसे पहले कपड़ा बदलना है मेरे को।
और मिक्सी में ही मेरे को फ्री लगता है। तो यहाँ पर मेरा बर्तन हो गया था साफ़ और ना कपड़ा भी रखा हुआ है, तो कपड़ा को सोच रही हूँ कल धोऊँगी मैं, और अभी तो ज़्यादा ही थक जाऊँगी फिर। तो ये देखिए हम लोग आ गए थे मार्केट, यहाँ से हम लोग लिए संतरा और केला, दो चीज़। उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे घर, तो बिट्टू को बोल के गई थी कि आलू प्याज को ना ठीक करके रखना, यहाँ से कचड़ा हटा देना, पर वो एक दो ठोई लेके कर रहा था। तो फिर उसके बाद आने के बाद मैं लेके बैठी इसको, फटाफट करी और हटाई यहाँ से, कचड़ा हटा के साफ़ वाला ठीक करके रखी अच्छे से निकाल के। उसके बाद मैं सब्जी दिखा देती हूँ। और हमारा वीडियो कैसा लगता है बताना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ये देखिए हम लोग लेके आए थे बरबट्टी, भिंडी, कद्दू, लौकी और टमाटर, बस और कुछ नहीं था, और लाल भाजी था। तो ये लौकी का ना मैं सोच रही हूँ वो बनाऊँगी क्या, कोफ्ता, केला और संतरा। तो यहाँ पर है बरबट्टी। बाय बाय।